आज का जो टॉपिक होने वाला है इसका यूज एज इन हर एक डेवलपर करते हैं, ठीक है। हर एक डेवलपर्स को इसके बारे में थोड़ी बहुत समझ भी होती है, बट देर आर मेनी केसेज आई हैव सीन इन माई एक्सपीरियंस, ओके, दैट मेनी डेवलपर्स डू कमिट्स मिस्टेक। लाइक उनको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कब क्रिएट करनी चाहिए, स्ट्रिंग बफर कब यूज करनी चाहिए, स्ट्रिंग बिल्डर कब यूज करना चाहिए, दे डू नॉट गेट इट, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे और एंड आई नो एंड आई बिलीव दैट वंस यू सी दिस कंप्लीट सेशन ओवर द स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू शुड यूज स्ट्रिंग, व्हेन यू शुड यूज स्ट्रिंग बफर, व्हेन यू शुड यूज स्ट्रिंग बिल्डर, एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द इंटरेस्टिंग, यू नो, ट्रिकी, ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड इन इंटरव्यू, यू विल बी एबल टू आंसर दैट वन, ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। एंड फ्रेंड्स हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स आल्सो, सो दैट दे कैन आल्सो लर्न। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज बेसिकली, यू नो, सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे अगर आप किसी एक वर्ड का बात करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया वेलकम, ठीक है। वेलकम इज अ वर्ड, राइट? सो दैट वर्ड विल बी कॉल्ड एज स्ट्रिंग, बट द कैरेक्टर्स दैट इज डब्ल्यू ई एल सी ओ एम ई, दिस इज अ कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, ओके। सो दिस इज वर्ड्स, स्ट्रिंग इज बेसिकली सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। इट इज हैवली यूज इन जावा प्रोग्रामिंग। जितने भी डेवलपर्स होते हैं ना, सभी इन डेली लाइफ अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लिख रहे हो तो 99% चांसेस दैट यू विल बी क्रिएटिंग वन स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। एंड स्ट्रिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन मेमोरी मैनेजमेंट ऑल्सो। अगर कोई सही से प्रोग्रामिंग नहीं लिखता है देन यू नो यू मे फेस द मेमोरी लीकेज, यू मे फेस द आउट ऑफ मेमोरी इश्यू ड्यू टू स्ट्रिंग, ठीक है। सो वी विल अंडरस्टैंड ऑल दो थिंग्स। सो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज बेसिकली सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। स्ट्रिंग इज बेसिकली सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग एक्ट्स एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स ऑल्सो। जैसे हम लोग एरे के बारे में, एक अनदर सेशन जो हमारा अगला सेशन होने वाला है दैट विल बी ऑन द एरे, वहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से एरे के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट स्ट्रिंग एक्ट्स एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स यू कैन नॉट, वंस यू डिफाइन एनी स्ट्रिंग यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट। दैट्स वाई इफ यू आर सपोज टू डिफाइन द पासवर्ड इन द प्रॉपर्टीज फाइल, यू आर सपोज टू डिफाइन द पासवर्ड इन सम कॉन्स्टेंट फाइल, देन यू शुड यूज स्ट्रिंग ओनली। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ओके। सो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, यू कैन नॉट मॉडिफाई द स्ट्रिंग वैल्यू, ओके। सो ओवरऑल द डिफिनीशन ऑफ स्ट्रिंग इज बेसिकली दैट स्ट्रिंग्स आर सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो, दैट ऑल्सो एक्ट एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक आपको टेबल बनाकर दिखाया है कि एक सपोज दैट आई एम क्रिएटिंग वन स्ट्रिंग दैट वैल्यू इज वेलकम, ठीक है। वेलकम को मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ, राइट। द फर्स्ट पोजिशन इज डब्ल्यू, सेकेंड पोजिशन इज ई एल सी ओ एम ई, वेलकम, एंड दिस इज द एंडिंग वन, ठीक है। तो यहाँ पे वेलकम को मैंने क्या एक एरे में शो किया है, ठीक है। एक एरे जो कि जिसका इंडेक्सिंग होता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो टू एन माइनस वन। एन माइनस वन मीन्स साइज माइनस वन, दैट विल द लेंथ। सो इसके बारे में हम लोग एरे में अच्छे तरीके से समझेंगे। बट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग इज बेसिकली ऑल्सो द एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। हाउ वी क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रिंग आर बेसिकली सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, गॉट इट। बट हाउ वी कैन क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट? सो देर आर टू वे टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। जैसे स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है, ठीक है, जिसका वेरिएबल है। मैंने जैसे स्ट्रिंग को, जैसे एक मैंने क्या बोला, जब मैंने वेरिएबल वाला वीडियो कर रहा था उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो पहले आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो स्ट्रिंग इज ए डेटा टाइप। उसमें मैंने आपको बोला भी था कि स्ट्रिंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, दिस इज, यू नो, डिराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है। इट्स नॉट प्रिमिटिव लाइक इंट, कैर, राइट। कैर इज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप बट स्ट्रिंग इज नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। सो स्ट्रिंग डेटा टाइप आई हैव गिवन, एस टी आर मैंने वेरिएबल नेम दे दिया, इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, दैट इज अ वैल्यू, ठीक है।
सो इफ यू आर क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है, देन दैट मीन्स यू आर यूजिंग लिटरल्स, ठीक है. सो वॉट विल हैपन वेन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट विथ लिटरल्स, ठीक है, एंड वेन यू आर क्रिएटिंग स्ट्रिंग यूजिंग द न्यू कीवर्ड लाइक स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंड इन द कंस्ट्रक्टर यू आर पासिंग द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है. सो इफ यू आर क्रिएटिंग स्ट्रिंग यूजिंग दिस देन वॉट विल हैपन, सो वील अंडरस्टैंड इन डिटेल, बट फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड इट दैट टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यू हैव टू यू नो यू देर आर टू वे टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, दैट इज स्ट्रिंग यूजिंग लिटरल्स और यूजिंग न्यू कीवर्ड, ठीक है. नाउ सी हियर आई हैव क्रिएटेड वन डायग्राम टू जस्ट यू नो मेक यू अंडरस्टैंड दैट इफ आई एम क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट using literal, if I am creating a string object using new keyword, then how that is allocated in the memory, ठीक है. यहाँ पर मैंने एक डायग्राम, एक बड़ा सा सर्कल बनाया है, उसके अंदर मैंने लिखा है हीप एरिया. हीप एरिया मीन्स एक मेमोरी एरिया है जिसको जिसका नेमिंग दिया हुआ है हीप एरिया, ठीक है. और एक यहाँ पर क्या है एससीपी, एससीपी मीन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल, एससीपी मीन्स स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल. स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे बिकॉज यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है. तो इसके बारे में अच्छे से भी समझेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल एससीपी इज ए स्पेशल एरिया इनसाइड द हीप मेमोरी एरिया, ठीक है. सो हीप मेमोरी एरिया के अंदर में एक छोटा सा स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल एरिया, ठीक है. Inside that, if you are creating a string object using literal, then that will be stored in the string constant pool. ठीक है, यहाँ पर आप देखो string str equal to hello मैंने किया. So the very first time when I will be creating object of a string using literal having the value hello, then it will be created inside the string constant pool. ठीक है. But if you try to create a second string using the same value hello, then what will happen? Since again you are going to create a string object using literal, then in this case first it will check in the inside string constant pool that hello exists or not. ठीक है, अगर hello scp के अंदर में है then it will get the reference of that hello value and will return to string 2. That's why here you can see that inside the string constant pool just one hello value, one hello string object is created and but referring in two variable, that is str and str2. ठीक है, but if I create object using the new keyword string str equal to new string and inside that I am passing hello, then at this time it will not check for the string constant pool, but it will directly go to the heap memory area. That's why here you can see that one hello object has been created inside the heap memory area. ठीक है, and if you do string str for equal to new string hello means again you are going to create a string object using new keyword having the same value, then also it will create another object having the value hello inside the heap area. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप new keyword के साथ object create कर रहे हो, अगर multiple times create कर रहे हो, then all time a new object will be created. It will not check for if the value is available in the string constant pool or not. ठीक है, इट विल डायरेक्टली क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन साइड द हीप मेमोरी एरिया. बट इफ यू हैव क्रिएटेड स्ट्रिंग लिटरल ऑब्जेक्ट, राइट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग लिटरल, देन इट विल चेक इन साइड द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल इफ दैट वैल्यू एग्जिस्ट और नॉट. इफ द वैल्यू इज देयर देन इट विल रिटर्न द रेफरेंस ऑफ दैट वन. ठीक है, एकदम इसको दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लो कि अगर आप यूजिंग लिटरल क्रिएट कर रहे हो दैट विल गो इन साइड द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल, और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल से अगर ऑब्जेक्ट वैल्यू अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है देन इट विल रिटर्न द रेफरेंस और दैट अदर वेरिएबल विल पॉइंट टू दैट यू नो एग्जिस्टिंग हेलो वर्ड.
okay, but if you are using the new keyword, then all time it will create a new object inside the heap memory area. ठीक है, so you have to make sure while creating object that which way you need to follow. ठीक है, because अगर आप देखो कि अगर आपको पता है कि ए वाला हेलो ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप एक प्रोग्रामिंग कर रहे हो और उसके अंदर में कोई एक ऐसा कॉन्स्टेंट है दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड मोर टाइम, यू नो, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, देन यू शुड क्रिएट अ कॉन्स्टेंट क्लास इन साइड दैट यू जस्ट यू नो क्रिएट वन स्ट्रिंग वेरिएबल, राइट, एंड यू कैन रेफर दैट वन एट एवरी प्लेसेज. सो दिस वे देर आर टू एडवांटेज, एक तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है एंड दैट इज बींग रेफरेंस्ड राइट एट द मल्टीपल प्लेसेज और दैट इज यू नो लूजली कपल्ड. बट इफ यू क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द न्यू कीवर्ड देन ऑल टाइम अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इन साइड हिप मेमोरी एरिया एंड मेमोरी विल बी फुल, राइट, मेमोरी जल्दी भर जाएगा. सो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस लाइक हाउ यू शुड क्रिएट ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट यू नो इन द इक्लिप्स आई विल शो यू दैट हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट डज दैट मीन हाउ लाइक इफ आई एम सेइंग दैट फॉर स्ट्रिंग str एंड str2 विल रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट राइट देन आई विल हैव टू प्रूव माई पॉइंट ऑल्सो राइट दैट str and str2 is same or not, right? str3 and str4 is different or not. So I will explain that in the eclipse with example, okay? So here you can see that I have created one, you know, example, string example class, and inside that I have created one string having the value welcome, second string having the value same welcome, theek hai? Then I am printing and checking that first string is same or not. ठीक है, अभी अगले यू नो थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे कि हाउ यू कैन कंपेयर टू स्ट्रिंग. वहाँ पे मैं और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि आप स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे कर सकते हो. बट अभी अभी आप बस इतना समझो कि इफ़ यू आर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग और टू ऑब्जेक्ट यूजिंग द डबल इक्वल टू देन यू आर नॉट कंपेयरिंग द वैल्यू. Instead of that, you are comparing the address, you are comparing the reference that, you know, is same or not, right? So, using double equal to, you are comparing the reference, you are comparing the address that this welcome is, let's suppose if it is at location 123, the address value, then it should be also 123, theek hai? So using the double equal to it, if it is 123 123, then it will be true, otherwise it will be false. Thus these two line I have created a string object using new keyword and having the value same welcome, right? And then here if I am just copying this line, again pasting over here and comparing third string equal to fourth string, ठीक है. So this line should be false because the address of third string and the address of fourth string is different, ठीक है. So if it is same, then it will be true. And here I have compared with equals method. With equals method, it check for the value. The third string value is welcome, ठीक है, नया एक नया ऑब्जेक्ट है, सेपरेट ऑब्जेक्ट है, बट द वैल्यू इज वेलकम. फोर्थ स्ट्रिंग हैव ऑब्जेक्ट यू नो द वैल्यू वेलकम. सो इफ यू आर कंपेयरिंग स्ट्रिंग विथ इक्वल्स देन इट विल चेक फॉर द वैल्यू, ठीक है. सो थर्ड स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स फोर्थ स्ट्रिंग, सो इफ द वैल्यू इज सेम देन इट विल बी ट्रू. सो इन दिस केस इट शुड बी ट्रू, ठीक है. And then here I have created another fifth string, sixth as welcome, and then again check the, you know, reference that it is the same or not. So it should be true. This will be also true.
Now let me run this program just to show you that the output that so here you can see that there are four output, right? The first output is true. It's true means first string address and second string address is same. Okay, now third string equal to fourth string, it is false because address is different. That means there are two objects. But when I am using equals method, that means I am comparing the value. So welcome is true, the third one. Fourth is also the same because here again I am checking for the literal. But let's change the value for the fourth string. Okay, now let me run this program. This will be false, the equals method. See, first is true because it is all the same, like welcome, the welcome one. So address is obviously different, but the value is also different. So the third output is also false and the fourth is true. That means if you are comparing two objects for the reference, then you have to use equals, and if it is same, that you can say that it is the same object. So I have created two objects, but this is the same object, okay, because the value is same. But if I, let's say I am creating one object welcome one, see, now this should be false. Okay, this should be false because I have created two different object, right? The first is false, second is also false because I am comparing for the address having the new keyword. Value is again different, so it is false. First string equal to second string, so first string equal to second string, so it will be false. Okay, so here I had to write actually fifth string. Now let me run this program. See, this is true. Fifth and sixth is the same value using literal, so it's true. So now in interview घुराक फिराक एक और सवाल पूछा जाता है, बताऊं क्या? जैसे देखो क्या होता है ना कि वो पूछेंगे दे विल बी राइटिंग दिस टू लाइन ओनली, ठीक है, वो दे विल बी राइटिंग दिस टू लाइन एंड दे विल आस्क दैट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट हैव बीन क्रिएटेड. So if you have proper understanding that if you are creating object using literal, then having the same value just one object will be created. ठीक है, फिर वो जैसे यहाँ पर first, second, fifth and sixth, यहाँ पे चार line having the same value using literal, that means only one object will be created. ठीक है, and let me write this two lines just next to using literal. Now they will write this four line, okay, and they will say that how many object have been created. So you have to understand that first two line object string object, the first string and second string object have been created using literal, so just one object will be created. But third string and fourth string have been created using new keyword, then two object will be created. So two and one, total three object will be created using this for line. ठीक है, तो interview में ऐसे भी पूछा जाता है. I hope the concept is clear to you now regarding the object creation, that how you should create. ठीक है, immutable means unmodifiable. ठीक है, that means once you created one object of a string either by literal or by the new keyword, then that means that string will be not modified. Okay, if you try to modify, then new object will be created. ठीक है, so string is immutable. अब immutable क्यों है? ठीक है, इस क्यों इंटरव्यू में भी पूछा जाता है why strings are immutable. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अगर आपको कहीं पे पासवर्ड डिफाइन करना है, ठीक है, तो आप पासवर्ड डिफाइन करने के लिए वहाँ पे किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, यूज करते हो, दैट इज स्ट्रिंग. ठीक है, बिकॉज दैट स्ट्रिंग इज नॉट मॉडिफाइबल, दैट इज इम्यूटेबल. ठीक है, लाइक अदर रीजन इज ऑल्सो दैट स्ट्रिंग्स विद सेम कंटेंट
share storage in a single pool, right? That I discussed just a few minutes back about the string constant pool. Like if you are creating any string object, then that will be stored in the string constant pool. ठीक है. So this way, once a string is generated, its content cannot be changed, and hence changing content will lead to creation of new string. ठीक है. अगर string object modifiable होगा, mutable होगा, that means new object will be created. यहाँ पे मैंने एक example दिया हुआ है, string str equal to hello. ठीक है. And I am concatenating something in this str string, right? What is concatenating? That is world. ठीक है. अगर concat का मतलब मैं आपको concat method क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूँ. concat method काम करता है कि अगर आपको इस string में अगर कुछ word और जोड़ने हैं, ठीक है, then that will be, you have to use this concat method. ठीक है. using this concat method you can append some value inside this string. ठीक है. so the output should be hello world, right? Now let's go to the eclipse. I will run the example and will show you that what will be the output. So here I have created one immutable string example. Here you can see that I have created one object string hello. ठीक है. and then I am concatenating something str.concat world, and then let me print str. ठीक है. system.out.println str. now tell me what will be the output of this program. as per my explanation that concat method will append the hello, with hello, so output should be hello world. okay, but output will be hello only. okay, let me run this program. output is hello. why world is not appended in this string? because here I have not stored in this str. ठीक है. if I have concatenation is done, but that is not stored in the variable of string, that's why it's not printing hello world. now it will print. ठीक है. सो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब आपने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड यू आर अपेंडिंग कॉन्केटिंग समथिंग, देन यू हैव टू स्टोर दैट वैल्यू इनसाइड दिस एसटीआर आल्सो, इन दैट स्ट्रिंग वेरिएबल आल्सो. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट आई एम अनकमेंटिंग दिस वन. आई एम जस्ट प्रिंटिंग द हैश कोड. ओके. हैश कोड इज समथिंग लाइक where the value is stored. so the hash code is using hash code method we can get the hash code of that object. okay, it is basically the int value, integer value. ठीक है. so before concatenating the if hash code will be the same, then object will be same, right? so string str equal to hello. ठीक है. so इस string का hash code जो होगा एंड आफ्टर कॉन्केटिंग स्ट्रिंग का जो हैश कोड होना चाहिए, इफ इट इज सेम देन दैट मीन्स स्ट्रिंग इज दिस स्ट्रिंग हैज बीन नॉट मॉडिफाइड. ठीक है. बट इफ आई एम गेटिंग द डिफरेंट हैश कोड देन ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स आर मॉडिफाइड. ठीक है. सी द फर्स्ट हैश कोड इज समथिंग सम दिस नंबर. ओके. एंड द सेकेंड हैश कोड इज सम डिफरेंट नंबर. दैट मीन्स I tried to modify the string object, but I was not able to do that because now hash code has been changed, means a new object has been created. ठीक है. and if I remove this str equal to, that means I am concatenating but not appending, means not storing in the string object, means I am not modifying this, I am just concatenating. okay, then what will happen? here you can see that the hash code is same, right? that means concatenation is not done. ठीक है. so this way I can say that this string is basically immutable, you cannot modify because the hash code is getting being changed, that means a new object has been created. ठीक है. string constant pool scp
इससे इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो यूजिंग लिटरल देन दैट यू नो स्टोर दैट इज यू नो दैट गोज देयर इन द इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल। सो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल इज ए स्पेशल स्पेस इन हीप मेमोरी एरिया। हीप मेमोरी एरिया में एक स्पेस होता है दैट इज यू नो स्पेशल प्रिविलेजेस स्पेशल स्पेस ठीक है फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड यूजिंग लिटरल। ठीक है तो जब भी अगर आपका यू नो इनिशियली व्हाट हैपेंस दैट द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल इज एम्प्टी राइट बिकॉज द ऑब्जेक्ट देर इज नो ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड दैट मीन्स दैट स्पेस विल बी एम्प्टी। ठीक है सो व्हेन वी क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग लिटरल एट दैट टाइम जेवीएम क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट इन एससीपी एंड स्टोर्स इट यू नो इट्स रेफरेंस ऑन द स्टैक। ठीक है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है एंड उसका रेफरेंस जो है कि स्टैक में स्टोर हो जाता है। ठीक है एंड व्हाइल क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम वैल्यू इट विल चेक द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल एंड विल रिटर्न द रेफरेंस। ठीक है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल यूज ए हैश मैप। ठीक है अब आपको अभी मैंने हैश मैप एक्सप्लेन नहीं किया है, हैश मैप के लिए मैं एक अलग से बहुत डिटेल में वीडियो लेने वाला हूँ। In that video, you will be able to understand the hash map and its internal functionality and how that works. ठीक है But for now, just understand that in the string constant pool, like suppose that there is a bucket. ठीक है 10 bucket है for example. ठीक है Every bucket will contain a list of a string. ठीक है Against hash code means जो अगर किसी bucket को access करना है then you have to access that with the hash code. ठीक है अगर आपको hash code मिल गया then with that hash code the string object that has been stored inside that hash map you can get that one. ठीक है so that is the internal implementation. so internally string constant pool follows the hash map principle. ठीक है सो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल एंड अगर आप लिटरल के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कैसे स्टोर होता है, आप न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हो तो कहाँ जाता है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल कैसे वर्क करता है, यही सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल। स्ट्रिंग इंटर्न, इंटर्न इज ए मेथड। ठीक है स्ट्रिंग क्लास में इंटर्न एक मेथड होता है जिसका यूज करके आप अगर लेट से अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यूजिंग न्यू कीवर्ड देन वंस यू यूज द यू नो इंटर्न देन दैट यू नो स्ट्रिंग विल बी अगेन यू नो टेकन बैक इनटू द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल। ठीक है लेट से व्हेन वी क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड देन जेवीएम क्रिएट्स स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन हीप मेमोरी एरिया राइट इट विल नॉट थिंक अबाउट द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल। But if you want to keep that value in a string constant pool, then using intern method that can be achieved. ठीक है Let's understand with the example. Here you can see that I have created one example for the intern. String str equal to new string hello world. So one string I have created using the new keyword. ठीक है So str dot intern. After that I am implementing. And then I am creating str2 equal to hello world. See what I am trying to do over here is that I created one string object. ठीक है So using new keyword I have created. So it will go to the heap memory area. ठीक है Then after that I am implying string str.intern. That means I am trying to pull back the hello world from the heap memory area to the string constant pool also. ठीक है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल में आ गया देन आई एम ट्राइंग टू क्रिएट हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग लिटरल दैट मीन्स द रेफरेंस ऑफ एस टी आर एंड एस टी आर टू शुड बी सेम अदरवाइज इट विल बी यू नो मीन्स डिफरेंट इट इट डिडंट गो टू द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल राइट नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम सो इट्स फॉल्स। ठीक है Now it is true. See, here I have implied the intern, right? But I have not stored, since I am telling you that string is immutable, right? Until unless you are not storing that str, you know, inside the string variable, then it will not work. So if you are storing
So that means the object of the hello world object from the heap memory area, it is coming to the string constant pool, and you are trying to get the hello world, trying to create the hello world, then it will check in the string constant pool and it will get that value. Okay, and in this, at this time it will come true. That means the object has come back to the string constant pool area. But if you are not storing like this, then a new object has been created, in turn you have applied, but in turn method you have called, but you know that has not completely done yet. It is just, you know, once you store this in turn inside this string, then only it will be true. ठीक है, हाउ यू कैन ज्वाइन टू स्ट्रिंग. देखिए, स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के, ज्वाइन मतलब क्या, अपेंड करने के लिए, कॉन्कैट करने के लिए, देर आर यू नो थ्री वेज मेनली. देर आर मेनी अदर वे ऑल्सो, देर कैन बी अदर वे ऑल्सो, बट दिस आर द थ्री इंपॉर्टेंट वे दैट यू कैन यू नो ज्वाइन टू स्ट्रिंग, लाइक यूजिंग कॉन्कैट मेथड. सो दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट इफ यू आर यूजिंग कॉन्कैट and you are storing in the inside the string variable, then you know value will be concatenated using the plus operator also and using the string joiner class also. ठीक है, string joiner class is new, right? Interview में पूछा जाता है, have you used string joiner, and if you have used, then how you can you know implement you how you can join to string using string joiner class. ठीक है, let's understand with the example. Here I have created string object. ठीक है, यूजिंग लिटरल आई एम कॉन्कैटिंग. सो इफ आई विल नॉट कॉन्कैट यू नो यूज दिस str1, नाउ टिल नाउ इट इज नॉट कॉन्कैटेनेटेड, राइट? इफ आई प्रिंट str1, सो व्हाट आउटपुट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग जस्ट यू नो हेलो, द कॉन्कैटेनेशन इज नॉट डन. ठीक है, कॉन्कैटेनेशन इज नॉट डन, राइट? लेट मी रन दिस प्रोग्राम, हेलो ओनली. बट इफ यू आर स्टोरिंग इनसाइड str1, देन कॉन्कैटेनेशन विल बी डन, राइट? हेलो वर्ल्ड, बट यू नो हैशकोड, बट यू नो हैशकोड विल बी डिफरेंट, राइट? बिकॉज आई हैव ट्राइड टू मॉडिफाई द स्ट्रिंग एंड दैट इज नॉट पॉसिबल. Because the string is immutable. Now, I have created another string object, string str2 equal to hello, and inside that I am trying to, you know, concat using the plus keyword, using the plus operator. ठीक है, so string str2 equal to hello, str2 equal to str2 plus world, so output will be hello world, the second outline, right? Hello world. ठीक है, so let me comment this line, it will be confusing. So the output will be hello world. ठीक है, अगर मैं इसको स्टोर नहीं करता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, इट इज थ्रोइंग कंपाइल टाइम एरर. सो सिंस यू आर यू नो यूजिंग द प्लस ऑपरेटर एंड यू आर नॉट इन यू नो स्टोरिंग इन सम वेरिएबल, देन इट विल थ्रो कंपाइल टाइम एरर. सो यू हैव टू स्टोर इनसाइड दिस स्ट्रिंग यू नो इन दिस रेफरेंस वेरिएबल. सी स्ट्रिंग ज्वाइनर, स्ट्रिंग ज्वाइनर इज अ क्लास यूजिंग दैट यू कैन अपेंड. So here you can see that I have given some space. This space is basically delimiter. If you are, you know, give the space like this, plus, 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 plus. So, you know, if I am trying to add the string inside this string joiner, then this inside this, in between the hello and world, this time plus operator will come. If I will give two times asterisk, then two times asterisk will come. Let's understand with the example. Let me now run this program. Hello two times asterisk then world. ठीक है, so likewise it's all up to you that what delimiter you want to give. I have given a space, then hello space world will
यू नो कम, ठीक है. सो इन इंटरव्यू इट इज आस्क्ड दैट यू दे विल आस्क यू टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग एंड यूजिंग यू नो एंड दे विल आस्क दैट गिव अंडरस्कोर, ज्वाइन देम विद द अंडरस्कोर. सो यू कैन यूज स्ट्रिंग ज्वाइनर इन दिस केस, यू नो क्विकली यू कैन ज्वाइन टू स्ट्रिंग, ठीक है. कंपेयर टू स्ट्रिंग, हाउ यू कैन कंपेयर टू स्ट्रिंग, ठीक है. सी एज आई सेड दैट यूजिंग द डबल इक्वल ऑपरेटर यू आर कंपेयरिंग द यू नो द रेफरेंस राइट दैट इज सेम और नॉट. बट इफ यू चेक द वैल्यू देन यू कैन यूज इधर यू कैन यूज इक्वल्स मेथड इधर यू कैन और यू कैन यूज इक्वल्स इग्नोर केस मेथड और यू कैन यूज इक्वल्स मेथड और यू कैन यूज कंपेयर टू मेथड. सो देर आर फोर वे दैट यू कैन कंपेयर स्ट्रिंग, ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, आई एम क्रिएटिंग str1 इक्वल टू हेलो str2 इक्वल टू हेलो. सो व्हाट आई सेड दैट इफ यू हैव टू यूज कंपेयर टू स्ट्रिंग देन यू कैन यूज str1 डॉट equals. Compare means you have to compare the value, right? str2. So I am comparing the string object using the equals method. That means it will compare for the value. ठीक है? It's true, right? If I change the value, then it should be false. So it is false. ठीक है. सो यूजिंग इक्वल्स मेथड वी कैन कंपेयर. नाउ देर इज वन मेथड इक्वल्स इग्नोर केस विथ नेम डिफाइन. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इक्वल्स इग्नोर केस मीन्स सिंस जावा प्रोग्रामिंग इज केस सेंसिटिव राइट. इफ यू आर क्रिएटिंग सम वेरिएबल यू नो हैविंग द डिफरेंट केसेस मीन्स अपर केस लोअर केस देन इट इज डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है. जैसे अगर मैं यहाँ पे str1 बात करूँ और मैं यू नो अगेन str दूँ, अभी सेम है राइट. str इज डिफरेंट सेम, सो इट विल थ्रो द कंपाइलेशन एरर. बट इफ आई यूज द कैपिटल s, सो नाउ देर इज नो एरर बिकॉज दिस इज जावा प्रोग्राम इज केस सेंसिटिव राइट. सो हियर आई हैव यूज्ड स्मॉल हियर आई हैव यूज्ड कैपिटल राइट. सो दिस इज अबाउट द वेरिएबल नेमिंग. बट हियर वी आर कंपेयरिंग द स्ट्रिंग. कंपेयरिंग द स्ट्रिंग मीन्स द वैल्यू, दैट वैल्यू इज स्टोर्ड इन इनसाइड दिस str1 एंड str2. सो लेट्स से अगेन आई एम गिविंग हियर द हेलो, ठीक है. बट एवरी कैरेक्टर ऑफ दिस हेलो इज स्मॉल एंड फॉर फर्स्ट इट इज फर्स्ट कैरेक्टर इज कैपिटल राइट. बट फॉर दिस सेकेंड स्ट्रिंग एवरी कैरेक्टर इज स्मॉल. सो str1 डॉट इक्वल्स str2. Since the value is same, so it should be equal, right? And here str1 dot equals ignores str2, so it should be also true, right? But no, the first one will be false because the value is same, but the cases are different. But in this, I am asking that if check for equals, but ignore case. Okay? So it will be true. False and true. ठीक है. नाउ द थर्ड वे इज दैट ऑब्जेक्ट्स डॉट इक्वल्स राइट. सो लेट मी राइट दिस ऑब्जेक्ट्स डॉट इक्वल्स एंड हियर आई कैन पास str1 str2. सो अगेन व्हाट शुड बी द आउटपुट, इट शुड बी फॉल्स. इट इज फॉल्स, ठीक है. So using the objects equals method also we can compare to string. Fourth way to compare of any string is compare to method. So str1 dot compare to you know str2. Here what will be the output? See, the if I am using the str1 dot equals, it is checking the value and returning right true or not.
So and here it is ignoring the case. Here it is checking the value using the objects dot equals method. You are comparing passing two parameters in this equals method. And the fourth is compare two method. Like str1, the value of str is 1 is hello. So the way of working compare to method is that if you are giving any number, then it will directly check the first digit of that number. If you are giving some word, then it will get the ASCII value of that character. See, here I have written hello, right? But H is capital. So the ASCII value of H, ASCII, okay, ASCII value of H, and this str to h, the ASCII value of this h, for this h it is 104, okay. The ASCII and the ASCII value of the ASCII code of a small h is 104, theek hai. And if ASCII value of h is 72, you can see the list, okay. You can see the list of ASCII code of every characters, okay. So the first ASCII code is different, right? The difference is of 32. So if it is equal to, okay, if it will be equal, let's say if I am writing here the all capital, okay, that means hello and hello, it is same, right? So it will be zero. The output of this line will be zero, okay, it's zero. But if I am giving the small here, right, that means str1 first character ASCII value is 72 and str2 first character ASCII code is 104. So str1 is less than str2 and difference is of 32, right? So the minus 32 will be the output, minus 32. That means str1 is less than str2. And if I reverse this, here I am writing the small hello and here I am giving the capital hello, okay, then it's capital 32. The same will apply with the capital E and a small e. See, hello I am writing, so H and H is same, okay, but the ASCII code of this capital E and ASCII code of this small e will be different. So I do not remember the ASCII code, but it will be, it will be plus or minus. I do not remember, but it's minus 32. Okay, the difference is minus 32. And if I give some value, let's say I am giving the 56 and here I am giving 87. So again, it will check the compare to method. First, it will check for this first digit 5 and 8. So 5 is small than 8, right? So str1 is less than str2, theek hai? So output will be minus 3. It is minus 3, okay? And if I am giving here the 5, so 5 will be same, and 6, 7. So str1 have 6, str2 have 7. So it will be minus 1, okay? And if I give here 8, so 5 and 5 is same, but 8 and 7 difference is 1, means str1 is greater than str2, so output will be positive 1. So str1, str2. I hope you now understand the how compare to method works. Here also there is one more thing, compare to ignore case method. Compare to ignore case, and now I am writing hello and inside this I am writing in a small hello, okay. Now it will be zero, it will be ignoring the case, okay, it is zero. So either it is taking the capital H or it is taking the small h. It is ignoring the case and getting the ASCII code, same ASCII code, and just giving the value 0. That means this hello and this hello is same, okay. So this way you can compare a string. So these are some string methods. Length, using length method you can get the length of a string, okay. Let's understand one by one.
I am going to create one string, okay? String str equal to hello. So if I print sys out, str.length. So it will give me the length of this string. That means 1, 2, 3, 4, 5 characters. So the output will be 5. ठीक है. Same char at i. That means it will check for the, you know, for you know, it will get you the character at the given position. That means what I'm saying, sysout str dot char at index means at, let's say I'm saying at 3 index. What will be the output of the 3 index or the second index? Okay. Second means 0, 1, 2, okay? 0, 1, 2, 2, okay, 2, 3, 4. If I use the 4, then at 2 it is L, right? So it is coming L. But if I do here 4, then it will give me the value O, okay? Means the caret starts from the index 0, 0, 1, 2, 3, 4, okay? And if I give more than index, then what will happen? Exception. String index out of range. ठीक है? So you have to be sure, like you have to check that the index that you are trying to get is that, you know, means that is out of range or not. ठीक है? Substring. So you can substring also concat equals equals ignores case compare to two lowercase. See, like if you know I use str dot to uppercase, so you can, you know, it will be printed in the capital hello. Okay, hello all is capital. Similarly, you can convert in the lowercase. You can trim, replace. You can replace any, you know, character or word. In turn, is empty, that string is empty or not. There are some, you know, there are many methods inside a string. I have not written all the methods, but you know, some methods I have written that is used, you know, on daily basis if you are doing some programming. So this way you can use these methods. String buffer. Till now we were discussing about how you can create objects using string literal and new keyword, right? And that was, you know, immutable, you cannot modify, right? But there is a peer class, you know, called string buffer. So that is used, you know, to create a string object also. But if you create object, you know, using string buffer class, then it will be mutable. So string buffer is a class which represents mutable sequence of characters. ठीक है. सो इफ यू आर क्रिएटिंग एनी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग स्ट्रिंग बफर देन दैट इज म्यूटेबल. यू कैन मॉडिफाई द वैल्यू. ओके, द ऑब्जेक्ट विल बी सेम बट यू नो ऑब्जेक्ट विल बी सेम बट द वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड. ओके, सो अपेंड मेथड इज यूज टू एड अनदर स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट. ओके, सो यूजिंग अपेंड मेथड वी कैन एड द स्ट्रिंग और कैन अपेंड एनीथिंग. Insert method is used to insert characters at any position. ठीक है. Delete method is used to remove characters. Reverse method is used to reverse the character. ठीक है. So let's understand with the example. And here you can see that I am going to create one object using the string buffer. SB equal to new string buffer. So there are three constructors. Here you can see that string buffer with, you know, no parameter, string buffer passing the string, string buffer with passing some capacity. Okay, so I have, you know, not passed anything. I can give sb dot append. ठीक है, append hello. So the output will be hello, right? Let me print this.
sb.toString. I converted into the string object, so output is hello, right? Again, I am writing sb.append world. So output will be hello world. Hello world, right? If I give some space, then again it will print with the space hello world. I can, you know, append. I can give like chaining also dot append. Okay. Hello world developer. Okay, so this way string buffer you can create object and that can work. ठीक है, string buffer का एक main advantage क्या है, this is thread safe. Okay, if you are you know working in multi-threading environment and you are creating string object, then that means you should create string, you should use string buffer. ठीक है, actually क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप string object create कर रहे हो and that string object you know in the for loop, what happens, some developers what will do, they are writing, suppose that they are you know calling this int I equal to 0, I less than 10, for example I am taking I plus plus, and they have created a string str equal to let's say means string str equal to hello come. ठीक है, एंड जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, ओके, एंड हियर दे विल बी अपेंडिंग str इक्वल टू str प्लस आई, ओके, एंड देन दे विल बी प्रिंटिंग सिस आउट str. ठीक है, नाउ व्हाट विल द आउटपुट, विल बी हेलो काउंट 0, 1, 2, 3, 9, right? This is output 0 to 9 hello count. But do you imagine how many objects have been created? There are 10 objects have been created, 11 objects. ठीक है, first is hello count, second is hello count 0, second third is hello count 0, 1. So like this object has been created. So for just one print, just for one thing, I am creating 10, 11 objects. This is not, you know, suggested. So instead of this, you can use string buffer, okay? If I will use the string buffer, okay, like I have already used there. And here I am, you know, using hello count. And I am removing all this thing, and here I am using sb.append I. So that means just the output will be hello count 0 to 9, right? But in this case, just one object have been created. We are modifying this string buffer, right? Since this is mutable sequence, right? So we can modify, we can update the value. But with string, we cannot update. So in that case, string literal should not be used. Okay? And the new keyword also should not be used with string class. But you can use string buffer. Instead of string buffer, you can use string builder also. But string buffer, if you are using in the multi-threading environment, then string buffer. And if you are using in the, you know, not multi-threading, then you can use string builder. Okay. So string builder is a class which is also mutable sequence of characters. But, you know, it's in the threads, multi-threading, you know, environment, you should not use string builder. But string builder is faster than string buffer. ठीक है, दीज आर सम डिफरेंसेज बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड बिल्डर. ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन दैट आई हैव लिस्टेड, दैट इज आस्क्ड बेसिकली लाइक इन इंटरव्यू, व्हाट इज स्ट्रिंग,
string constant pool in Java. Okay, how to create a string object, memory allotment, intern method, programming questions, okay, string buffer builder, when this should be used, difference between string buffer and builder, string class methods. String is derived or primitive data type. String is, I told you that string is not primitive, okay, it's derived data type. And this is the programming questions. Okay, here I have listed, I am not going to, you know, explain all this programming in today's video, but in another video I will be, you know, creating separate video for every program. Okay, I will be explaining that how you can write. I will be writing every programming separate video and will explain to you, but you can understand it as a task for you that these are the programs, okay, that is been asked in the interview mostly, so you can do practice for these, you know, programs. Okay, and if you have any doubt about the string buffer and builder, okay, then please comment in comment box. I will try to answer your question. Okay, and if you have reached at this point, then please subscribe my channel and share this video to your friends also, so that they can learn. Okay, thank you.